क्या तुम सब उसके फैंस हो? ए, तुम लोग यहाँ भी आ गए? नहीं, उसे नहीं देख सकते, तुम लोग जाओ। ए, जाओ ना। अरे क्या बोला, उसको नहीं देख सकते? अबे लोमड़ी कहीं के, यहाँ तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, समझा क्या? सर समझने की कोशिश कीजिए। सर मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, उसे बस आखिरी बार देखने की मेरी इच्छा है सर, प्लीज सर। सर आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा सर। अबे पैसे निकालना। उसके डेड बॉडी का नंबर 23 है। देखो ड्यूटी पर हूँ लेकिन फिर भी अंदर जाने दे रहा हूँ। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी नौकरी पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ए चल हटो, आओ मेरे साथ आओ। अरे ये कहाँ ले जा रही है? अरे क्या बात है, क्या हुआ? बोल ना। अब बोल। कोई ऐसी हरकत करता है क्या? तुम्हें बुरा नहीं लगता? ऐसे मत करो रवि, तुमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन ये पाप है रवि। तुम्हारे लिए मैं हूँ ना, मेरे साथ जो करना है करो। तू बिना कपड़ों में रोड पे जाएगी ना तो भी तुझे कोई देखने वाला नहीं है। शक्ल देखिए अपनी। चलो यार हम चाय पी के आते हैं। हाँ, ये तो हमेशा लड़ते ही रहते हैं। हाँ, कौन समझेगा? अरे वो एक बड़ी स्टार है, सबका सपना है वो, समझ गई? लेकिन अब वो मर चुकी है। तो क्या हुआ? वो मुझे पसंद है, इसलिए तू यहाँ से चली जा, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। जा यहाँ से। रवि, मैं सबको बता दूंगी तुम अंदर क्यों जा रहे हो। चिल्लाकर भीड़ इकट्ठा करूंगी, पुलिस को भी बुलाऊंगी। मार डालोगे मुझे, मार डालो। मेरे मरने के बाद जो करना हो कर लेना। चिल्ला के यहाँ तमाशा करेगी, सबके सामने मेरी बेइज्जती करेगी, पुलिस को बुलाकर मुझे उनसे मार खिलवाना चाहती है, अंदर भिजवाना चाहती है। चिल्ला 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 कर तमाशा कर, चल। नहीं नहीं रवि, ऐसा मत करो, मत करो। मैं जो चाहता हूँ वही करूंगा, नहीं तो पुलिस को बुला और मॉर्चरी में आकर देख, देखना मैं भी उसके साथ लाश हो जाऊंगा। धंधे में हमने बहुत पैसे कमाए, हमें समझ में नहीं आया हम इतने पैसे कैसे खर्च करेंगे, इसलिए हमने हर दिन किसी एक का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया। रवि भाई, हाँ। तेरे जन्मदिन पर पूरे शहर में तेरे पोस्टर्स लगाकर पूरा धमाल मचाऊंगा। पोस्टर नहीं लगाएंगे, मेरे जन्मदिन पर हम सब खूब मजे करेंगे, खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे। अरे रवि तुला तुझ्या वाढदिवसाच्या दिवशी काय ना काय लोकांना द्यायला पाहिजे। सब लोग वहीं पर खड़े रहो, ध्यान से सुनो, हमें दूसरों की चीजों पर ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जिसको जो जो चाहिए बस वही लेने का। और लेने के बाद यहाँ से 120 की स्पीड से भाग जाने का, ओके? सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिलेगा, कम ऑन। वो लोग लगभग 100 लोग होंगे, एक साथ आए थे, सिर्फ 5 मिनट में पूरी दुकान खाली करके चले गए। कौन है? हा? गुंडा रवि है। कौन है वो गुंडा रवि? ए रवि, तू यहां क्यों खड़ा है यार? वो आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
छिपा है रे तू? मर्द का बच्चा है तो सामने आ। गन है तो क्या, गोली मार देंगे। पहली बात है डरो मत, उन लोगों को एक साथ मत रहने दो, तुरंत तुरंत उनको तीन ग्रुप में अलग अलग कर दो। वो सब साथ में रहेंगे तो हमें खतरा है, समझ गए ना? हे वो देखो वो रहे। हाँ हे वो रहे, चलो पकड़ो, चलो पकड़ो उनको, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो जल्दी, छोड़ेगी नहीं तुझे। हे उस तरफ है, चलो उस तरफ, चलो चलो। हाँ गए, फिर गायब हो गए। इधर उधर जाओ, चलो कहाँ ढूंढे, कहाँ चले गए, समझ में नहीं आ रहा वो सब कहाँ चले। अलग अलग कर दिया, बहुत बढ़िया। अब उन लोगों को फिर से एक मत होने देना। हर आदमी अपना अपना ग्रुप मेंटेन करो और उनके हर ग्रुप के आदमी को एक एक करके खत्म कर दो। यहाँ से नहीं। ए, ए, चलो मैं ढूंढो। क्या हुआ रे भाई, मुझे बचा लो भाई, वो लोग हमारे हाथ में पत्थर फेंक रहे हैं, वो गांधी कहाँ से आते हैं, कैसे मारते पता नहीं चल रहा है, उन लोगों ने हमारे बहुत आदमी को मार डाला। 10 मिनट के अंदर मैं पुलिस वाले को भेजता हूँ, तू डरना मत, वहीं रहना। रवि तुमने दो जाने बचाई हैं, क्या देख रहे हो, तुम्हारा 3 महीने का बच्चा मेरे कोख में पल रहा है। गोली मार पाओगे? ठीक है मारो, तुमसे ना नहीं होगा, क्योंकि मारोगे तो सिर्फ मैं नहीं मरूंगी, तेरा खून भी मरेगा मेरे साथ। छोटा रवि अब बड़ा होकर अपने बाप जैसा बनेगा, हाँ वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुमसे सवाल पूछेगा, तुम उसे मार नहीं पाओगे, कोशिश करो, चलाओ ना गोली। हाँ ये सब मार पीट नहीं चाहिए रवि, ये सब छोड़ दो, हम ना शादी कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे हमारे, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, राजा की तरह रखूंगी तुम्हें, हम खुशी से रहेंगे रवि। और कितनी लड़कियां मेरी जिंदगी में आएंगी, मैं किस लड़की की बात मानूंगा यह मैं खुद नहीं जानता, लेकिन वो लड़की तू नहीं है, कितनी बार बोलूं, मर जा। रवि रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। सो तुम्हें लगता है रवि तुम्हारी बात मान जाएगा, है ना? ही इज अ बॉर्न क्रिमिनल बेबी। क्या पढ़े लिखे अमीरों में
बॉर्न क्रिमिनल नहीं होते अंकल, उसे सिर्फ दो चीजों की जरूरत थी, एक पैसा और दूसरी लड़की। वो जितना खर्च कर पाएगा उससे ज्यादा मैं कमाऊंगी। वो जिस चीज को कभी हासिल नहीं कर पाएगा उसके लिए वो चीज हूं मैं, वो मेरी बात जरूर मानेगा। तुम्हारे माँ बाप नहीं चाहते कि तुम उस लड़के के साथ रहो, वो लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हें मंजूर है? ये उनका फैसला है, मैं उसमें दखल नहीं दे सकती। ओके डॉक्टर, कांग्रेट्स। पर ऐसे लोग सांप की तरह होते हैं जो शांति से सोते हैं, लेकिन अगर उन्हें परेशानी हुई तो बस फन फैलाकर डसने लगते हैं। इट्स आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, देखते हैं। रवि, सॉरी, एक इमरजेंसी ऑपरेशन था इसीलिए नहीं आ पाई। मैंने सोचा कि जेल से छूटकर आप सीधा बस्ती वालों से मिलने जाओगे। आप मुझे बाहर लेकर आ गई डॉक्टर। जेल में चर्च की बहुत सारे फादर्स की और बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों की बातें सुनकर मुझ में बदलाव आ गया। अब मुझे अपने साथियों से मिलने में भी डर लगता है। अब आप ही बताइए क्या करूं मैं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं देता आगे। अच्छा होता कि मैं जेल के अंदर ही मर जाता। जब से होश संभाला है तब से जिंदगी में कभी खुशी नहीं थी। मुझे कभी पसंद नहीं था कि कोई मुझसे प्यार करे। एक बेरहम जानवर की जिंदगी जी रहा था। ऐसा क्यों था मैं नहीं जानता। अभी जिंदगी जीने के लिए मेरे पास क्या है डॉक्टर? बहुत कुछ है रवि, इंसान को देने के लिए और उनके लिए कुछ करने के लिए। तुम्हारे पास दिल है, आशा है और प्यार भी है रवि। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। सुगंधा कौन है? हाँ, अंदर जाइए मैडम। बैठिए, बोलिए। डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं माँ बन सकती हूँ या नहीं। क्यों? मुझे मेरे पति की शादी करानी है। अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो मैं उनकी जिंदगी से दूर जाकर मरना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, विदेश भी जाकर काम कर चुके हैं। मैं गांव की अनपढ़ गवार हूँ और बेवकूफ भी हूँ। मेरी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। रोना बंद कीजिए, आप मेरे पास आ गई हैं ना, मैं संभाल लूंगी, रिलैक्स। इससे पहले कभी डॉक्टर के पास गई हैं आप? हम सिर्फ मंदिर गए हैं। आपके पति आपसे प्यार करते हैं ना? डॉक्टर, मैं तो गांव की अनपढ़ हूँ, वो मुझसे क्या प्यार करेंगे? फिर आप दोनों साथ में कैसे रहते हैं? नहीं समझी, मेरा मतलब है कि आप दोनों बेड पर सोते समय भी बात नहीं करते। देखिए, आपको खुलकर डॉक्टर को सब कुछ बताना चाहिए, तभी मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, समझ गई? अब बताइए, बेडरूम में जाकर वहाँ लाइट ऑफ करके आप दोनों तुरंत सो जाते हैं या कुछ देर बातें करते हैं? वो रोज ऑफिस से लेट आते हैं, हाथ मुंह धोकर वो चुपचाप खाना खा लेते हैं, कभी कभी फोन बजता है तो बात करते रहते हैं,
और बात करते वक्त तो झगड़ा भी करते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। बेड पर बैठकर वो लैपटॉप पे कुछ काम करते रहते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? उनके पास चुपचाप बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं बेड के कोने में जाकर सो जाती हूँ। उस वक्त वो मेरे पास आकर मुझे पकड़ लेते हैं। इस तरह लाखों बार सेक्स करने के बाद भी आप मां नहीं बन सकती। किसी के भी बेडरूम में कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप नहीं होने चाहिए। ऐसे 100% पति पत्नी में से 1% को भी बच्चा नहीं हो सकता। अगर छोटी मोटी कमियां हैं तो सुधार सकते हैं। पति के प्रति पत्नी को सिर्फ इज्जत चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। पति पत्नी को दिल खोल कर बातें करनी चाहिए। बेडरूम में बिजनेस की बातें किस लिए? फिजिकल शारीरिक और मानसिक तौर से पति और पत्नी उसके लिए राजी होने चाहिए। लेकिन आप दोनों को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट के पहले स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग की जरूरत है, इसलिए आपको अपने पति के साथ आना पड़ेगा। वो नहीं आएंगे।